हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुमकुम किचन्स में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओरियो बिस्किट केक, और वो भी सिर्फ हम 10 से 15 मिनट में बनाएंगे। बहुत ही लाजवाब केक बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को, और यदि रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पर मैंने 4 पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हैं, और ये हमारी जो ओरियो बिस्किट है ये चॉकलेट फ्लेवर है, इससे हमें एक्स्ट्रा चॉकलेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसको मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे। तो सभी बिस्किट के पैकेट को हमने खोलकर सारी बिस्किटें जार में डाल दी हैं, और अब हम इसको पीसकर फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, इसको मैंने बिल्कुल फाइन पीसा है, और आप इसे अच्छे से पीस लीजिएगा क्योंकि इसमें कोई भी टुकड़े नहीं होने चाहिए। यदि ये दरदरा रहेगा तो केक अच्छा नहीं बनेगा। इसे हम एक बाउल में डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें क्रीम वाली बिस्किट है तो थोड़ा इसमें मॉइस्चर होता है, इसलिए छानने में आसानी से छन नहीं पाती है। तो आप इसे बारीक ही पीसिए, और इस तरीके से चेक कर लीजिए कि कोई टुकड़ा तो इसमें नहीं रह गया है। अब हम यहाँ पे 2 चम्मच ओरियो बिस्किट का पाउडर अलग रख लेते हैं, और बाकी का जो हमने पाउडर बनाया है इसको हम अच्छे से चेक करेंगे कि इसमें कोई लम्स या टुकड़ा तो नहीं है। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, ये उबला हुआ दूध है जिसको कि हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है, और इसको डालते हुए हमें इसका एक अच्छा सा बैटर बनाना है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही टेस्टी ये केक बनेगा। तो चलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इसका मैंने अच्छे से बैटर बना लिया है। इसमें मैंने 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। यदि आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें इनो डाल सकते हैं इतनी ही मात्रा में। थोड़ा सा दूध और डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। तो इस तरीके का आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो देखिए, हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है, और यहाँ पर मैंने ली है 1 केक टिन, और इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है और बटर से इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। यदि आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मैदा से डस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए, हम जो बैटर है इसको इस टिन में डाल देते हैं और अच्छे से इसे टैप कर देंगे। तो मैंने इसे फैला लिया है और अच्छे से टैप कर लिया है। इसमें मैंने चीनी नहीं डाली है क्योंकि ओरियो बिस्किट में पहले से चीनी होती है, और इतना दूध जो है वो बच चुका है, तो इसे हम अलग रख देते हैं। और इसे हम बनाएंगे स्टीम करके। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी को एक भगोने में डाला है, और एक रिंग रख दी है, इसके ऊपर हम ये केक टिन को सेट कर देंगे, और इसे ढककर हमें स्टीम करना है लगभग 10 मिनट के लिए। और जो ये होल है इसको हम बंद कर देंगे आटे से, जिससे कि हमारी स्टीम बाहर ना आए, और इसको अच्छे से हम स्टीम होने देते हैं। 10 मिनट में मेरा केक अच्छे से स्टीम हो गया था। आपको थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिए, अच्छे से हमारा केक पक चुका है, हम इसको चेक कर लेते हैं। आप में से बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि हम बिस्किट केक को स्टीम करके बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। और ये वाला केक आप स्टीम करके भी बनाएंगे तो आपका जो फ्लेवर है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है, बहुत ही बढ़िया ये लगेगा। तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारा केक अंदर तक पक चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद ही मैं आपको इसको निकाल कर दिखाऊंगी। तो ये ठंडा हो चुका है, चाकू से हम थोड़े से किनारे अलग कर लेंगे, और इसे एक प्लेट में हम पलट लेते हैं। देखिए, मैंने इसका बटर पेपर निकाल लिया है, और कितना बढ़िया हमारा केक बना है। बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है, और बहुत ही जालीदार, आप देख पा रहे होंगे। इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए, कितना बढ़िया सा केक बनकर तैयार हुआ। और ये केक सिर्फ हमने 15 मिनट में बनाया है, और बहुत कम चीज़ों से इसको हमने बनाया है। आप इसको जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने घर की मलाई ली है, इसको अच्छे से फेंटा है, और इसमें थोड़ी सी चीनी मैंने मिक्स करके इसको अच्छे से फेंट लिया है, और इसको हम ऊपर से डाल देंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें फैला लिया है। इसको अब हम दूसरी प्लेट पर रख देंगे, और अब जो बिस्किट का पाउडर हमने बचाया हुआ था उसको हम किनारे से इस पर डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको किनारे से डाल दिया है, और एक ओरियो बिस्किट मैंने इसमें बीच में लगाई है, और थोड़ी सी चेरी अब हम इसमें लगाएंगे। आप इसे जैसे भी चाहे डेकोरेट कीजिए, ये आपकी मर्जी है। मैं इसे इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ।
तो देखिए हमारा केक जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे हम कट कर लेते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये केक और बनने में बहुत ही आसान है। यदि आपको केक बनाना बहुत झंझट का काम लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेगा और सिर्फ 15 मिनट आपको लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलिए। अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।